दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। दिल्ली का दिल जीतने के लिए चुनाव प्रचार में विकास के बड़े बड़े दावे और वादे हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली में विकास के इन दावों की हकीकत खोल रही है संगम विहार विधानसभा क्षेत्र की ये बदहाल सड़कें। हादसों को दावत देती ये खुली हुई नालियां और चारों तरफ फैला कूड़े का अंबार, जो संगम विहार विधानसभा क्षेत्र के लोगों की दुश्वारियों को बयां करने के लिए काफी है। संगम विहार का रतिया मार्ग है, जो यहाँ की मुख्य सड़क भी है, लेकिन इसकी हालत देखिए, ये जर्जर है। सड़क टूटी हुई है, जिसके सुधारने के लिए कोई उपाय अभी तक नहीं किया गया है। और न सिर्फ रतिया मार्ग बल्कि इस इलाके में जितनी भी सड़कें हैं सबकी हालत ऐसी ही है। सड़क जर्जर है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा है। लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर के है कि सड़क इतने दिनों से टूटी हुई है और इसको सुधारने के लिए सरकार की तरफ से और उनके जनप्रतिनिधि की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में, खासतौर पर संगम विहार विधानसभा चुनाव में, चाहे मुद्दे जो भी उछाले जाए राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन सड़क और नाली मुख्य मुद्दा यहाँ के लोग मान रहे हैं, क्योंकि लोगों को असुविधा बहुत ज्यादा है। चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं कि वो क्या इस मुद्दे पर सोचते हैं। बीते 5 साल के विकास की ऐसी बदरंग तस्वीर संगम विहार में सिर्फ एक जगह ही देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे इलाके की सूरत और सीरत कमोबेश ऐसी ही है। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि सड़कें हमेशा खुदती ही रहती हैं, लेकिन कभी इनका निर्माण पूरा नहीं हो पाता। केजरीवाल साहब के जो नाम जो MLA हैं दिनेश मोहनिया जी, तब से आए इनका ये हाल किया, कभी खुदाई करते रहते। अभी 15 दिन पहले यहाँ खुदाई चल रही थी, ये हमेशा खुदाई चलती रहती है। सिर्फ संगम विहार की मुख्य सड़क रतिया मार्ग ही नहीं, बल्कि इलाके की दूसरी सड़कें भी खस्ता हाल है। सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भरने की शिकायत है, घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम लोगों को रोज रुलाते हैं। तो वहीं खस्ता हाल सड़कों और ट्रैफिक जाम की वजह से बीमार आदमी अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। इस टूटी और चर्जर सड़क की वजह से बुधवार को 4 हफ्ते का एक बीमार बच्चा वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सका और उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। मेरे बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि 1.5 घंटा हम लोग खड़े रहे, लेकिन कोई रोड कोई सुविधा कुछ नहीं मिली। फिर मिले भी, बाहर तक जाने लगे तो जाम में ही फंसे रह गए। अगर जाम नहीं होता, रोड सही होता, तो काश मेरा बच्चा ठीक होता, मेरे पास होता। ये रोड बहुत खराब है, इसको सही करने की कोशिश करूँगा, जैसे मेरे बच्चे संग हुए, किसी के बच्चे के साथ में ना हो ऐसा। सड़क की हालत तो मैंने भी देखी है कि बहुत ज़्यादा खराब है, मेरी गाड़ी खुद आपके घर के पास तक नहीं आ सकती। जी ऐसे करेंगे तो हमारे लड़के बहू बेटी कोई भी होता ख़त्म हो जाएंगे, तो हम कहाँ जाएंगे लेके? इतनी जल्दी भाग तो सकते नहीं हम कि यहाँ आस पास हॉस्पिटल हो। इसके लिए तो कोई वो हमारे लिए तो बनना चाहिए ना। अपने मासूम बेटे को खो देने वाली इस माँ पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं, लेकिन इस मासूम की मौत और टूटी हुई सड़क एक चुनावी मुद्दा बन गया है। BJP JDU के प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण लाल गुप्ता इसके लिए स्थानीय विधायक दिनेश मोहनिया और केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आए दिन यहाँ पर मरीजों की डेथ हो जाती है। हार्ट का पेशेंट होता है, वो बेचारा पहुंच ही नहीं पाता है, दो दो तीन तीन चार चार घंटे। यह आए दिन का इंसिडेंट है, या एक दिन का इंसिडेंट नहीं होता है। यहाँ कितने पेशेंट्स यहाँ पर मर जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको अस्पताल जाने की पहुँचने की सहूलियत नहीं मिलती है। मासूम की मौत के बाद संगम विहार के लोगों में भी इस बात को लेकर काफी रोष है। यहाँ की सड़क की स्थिति कैसी है? अभी तो बुरा हाल ही है, अभी कोई खास बदलाव नहीं है। गंदगी भी बहुत ज्यादा रहती है। हाँ गंदगी तो अभी बहुत ज्यादा है, अभी ज्यादा दूर नहीं है, 8 नंबर गली में घुस जाइए, बहुत सारी है। सड़क की वजह से परेशानी बहुत ज्यादा है। पहले से सही है, पहले तो घुटनों पानी था यहाँ पर, अब तो फिर भी सही है। पूरे सत्ता में 2 महीने से काम शुरू किया केजरीवाल ने, कुछ भी नहीं किया इसने। संगम विहार विधानसभा क्षेत्र दिल्ली के पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। यहाँ विकास कार्यों का अभाव तो दिखता ही है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती पीने का पानी है। पानी की आपूर्ति बोरवेल के भरोसे है। आरोप है कि पानी के टैंकर से भी गंदे पानी की ही सप्लाई होती है। 3-3 हफ्ते में उन्हें एक बार पानी आता है, 3 हफ्ते तक उस पानी को वो समेट के रखते हैं, उबाल उबाल के पीते हैं। एक टैंक में जब आता है तो 2-4 हज़ार लीटर पानी भरते हैं और उसको भर के रख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के दिनेश मोहनिया मौजूदा विधायक हैं और वो इस बार भी चुनाव मैदान में हैं। दिनेश मोहनिया को BJP समर्थित JDU प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण लाल गुप्ता चुनौती दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के टिकट पर पूनम आजाद चुनाव मैदान में है। BJP JDU प्रत्याशी यहां की बदहाली के लिए न सिर्फ विधायक बल्कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं दिनेश मोहनिया के अपने दावे हैं।
आप सड़क में जाइए, जगह जगह समुद्र है, जगह जगह पहाड़ हैं, इतनी भीड़ है यहाँ पर चलने की जगह नहीं, गड्ढे यही नहीं पता चलता कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढा है। अब ये उनका लंदन जो है ऐसा ही है, तो वैसे बना दिया इन्होंने और क्या। हाँ, बेसिक सी जरूरतें हैं जो लोग डिमांड कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर कभी डेवलपमेंट के नाम पर कुछ हुआ नहीं था, तो यहाँ डिमांड थी पानी की, रोड्स की, ड्रेनेज सिस्टम की, तो ये लगभग सारे काम हमारे यहाँ हुए हैं। और आज हम ये कहने की स्थिति में है कि संगम विहार का एक भी ब्लॉक आज कच्चा नहीं है। ड्रेनेज सिस्टम जो यहाँ पर रतिया मार्ग जो मेन रोड है जिसमें पानी भरता था, उसकी सॉल्यूशन हो गया। संगम विहार के सामने समस्याओं की लंबी फहरिस्त है। पानी, सड़क और सीवर से लेकर ट्रांसपोर्ट तक की परेशानी है। सड़कों पर जाम की स्थिति बहुत बुरी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पार्किंग के लिए लोगों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और सिर्फ रतिया मार्ग नहीं, आप जिधर भी जाएं सड़क की हालत ऐसी ही नज़र आएगी। और ये सड़क लोगों की जान लेने लगा है। और यहाँ के तमाम लोग हमारे साथ हैं, उनसे ही जानते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति इस बात को लेकर शिकायत दर्ज करा रहा है कि सड़क पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है। अब जब चुनाव सिर पे है तो काम शुरू हुआ है, और कहीं कहीं करके दिखाने की कोशिश की जा रही है कि काम हम कर रहे हैं। ये सड़क की स्थिति हमेशा ऐसे ही रहती है? हाँ, ये तो हमने जब से आया है 24 तारीख से यही स्थिति देख रही हूँ कि संगम विहार की हाल, साढ़े चार सालों में केजरीवाल ने क्या किया है ये समझ में नहीं आ रहा है। इसका नाम है संगम विहार, लेकिन यहाँ संकट विहार है। इसको संकट विहार यहाँ के वर्तमान विधायकों ने बना दिया है। कहीं भी रोड पर ऐसा नहीं कि नली का पानी रोड पर नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगा केजरीवाल जी से कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली को लूटने का काम किया है। मैं संकट विहार के धन यहाँ का लोग हैं जो बर्दाश्त किए हुए यहाँ के विधायक और इस सरकार को, क्योंकि बहुत स्थिति खराब है। ये रोड तो थोड़ा ठीक भी है, इसके पीछे वाला रोड पर आपको 2 फीट 3 फीट पानी जमा हुआ मिलेगा, इतना स्थिति खराब है यहाँ का। इस संकट विहार में दिनेश मोहनिया जी सिर्फ लूटने का काम किया है, चारों तरफ खोद के रख दिया, कोई भी एक पैसे का काम नहीं किया है। और यहाँ जनता बहुत ही दुविधा में है, बहुत दुखी है, इसलिए इस बार इनको उठा के फेंक देंगे। फिलहाल संगम विहार के लोगों को आने वाले विधायक से इन तकलीफों से निजात की उम्मीद है। अब देखना है कि वो किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं। इस चुनाव में संगम विहार की सीट पर दोबारा आम आदमी पार्टी की वापसी होती है, या फिर बीजेपी, जेडीयू या कांग्रेस बाजी मारेगी, इसका पता तो 11 जनवरी को ही चलेगा। संगम विहार से विकास चंद्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।